हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर रुचि, और आज मैं आपके लेके आई हूँ जो मैंने एक पहले वीडियो डाली थी कि छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से लिखना कैसे सिखाएं ए टू जेड, उसी का आगे का पार्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ए से एफ तक लिखना है कि आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से कैसे लिखना सिखा सकते हो। और उससे सबसे पहले आपके लिए एक क्विक रिमाइंडर है, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम सीखेंगे जी एच आई जे के एल। ओके, इतना आई थिंक एल तक काफी है। जी के डॉट हम देते हैं बच्चों को ऐसे, ठीक है। आपके बच्चे को सी बनाना आता है, आप उनको बोलो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को जी बनाने में, वो जी बना नहीं पाते हैं। तो आप उनको बोलो बेटा पहले सी बनाओ, फिर स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। पहले सी बनाओ, या आप इसको बोल सकते हो कर्व बनाओ, पहले कर्व बनाओ फिर स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन। मेरी बेटी तो ऐसे करके ऐसे बनाती है, बट ये भी ठीक है, पहले कर्व देन ओके। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, आप ये मत समझिए कि आपके बच्चे को दो दिन में जी जी फोर ग्रेप्स बनाना आ जाएगा। नो, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम एच, एच के लिए ऐसे डॉट जाते हैं, तो आपको ये बच्चा इजीली बना लेगा। आपको सिर्फ अपने बच्चे को बोलना है बेटा स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन। उसके बाद में हम बनाएंगे आई, आई के डॉट्स हम ऐसे देते हैं बच्चों को, हम बोलेंगे स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, या तो ऐसे बनवाइए या फिर स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, है ना, जैसे आपका बच्चा इजीली बना ले। स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। उसके बाद हम बनाएंगे जे, जे के डॉट हम ऐसे देते हैं, ओके स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन देन कर्व, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन देन कर्व, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन देन कर्व, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन देन कर्व। और हमेशा अपने बच्चे को सिखाना है कि बेटा बॉटम टच करना है हमें, है ना, वरना राइटिंग गंदी आएगी बहुत। स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन। सॉरी, थोड़ा फोन इधर हो गया था, मैं नीचे देख रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया। स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद आता है एल, एल का डॉट हम ऐसे देते हैं, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। ओके, कोई बात नहीं, आपका बच्चा शुरू में अगर बड़ा बड़ा भी लिखता है, ऐसे भी लिखता है, तो कोई इशू नहीं है। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, है ना, बट वो धीरे धीरे आप उसको छोटे डॉट दीजिए। सबसे पहले आप उसको जैसे ऐसे डॉट देते हो, लेकिन उसके बाद उसको आप यहाँ से डॉट देना शुरू करो, है ना, तो यहीं से लाइन बनाएगा। अगर आप उसको यहाँ से डॉट दोगे तो वो यहाँ से लाइन बनाएगा, यहाँ से डॉट दोगे तो वो ऑलरेडी ही छोटा बनाएगा, है ना। जैसे ही आई है, आई के डॉट आप थोड़े से नीचे दो तो वो छोटा ही बनाएगा अपने आप, है ना। जे के, लेकिन सबसे पहले उसका
माइंड में क्लियर होना जरूरी है कि ये बंदा कैसे है, छोटा और बड़ा तो बात की बात है। तो उस सबसे पहले हम यही करेंगे, हमें अपने बच्चे को, और हमें सिखाना ऐसे ही है, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ऐसे नहीं बोलना कि बेटा पहले एक सीधी लाइन खींचो, टेढ़ी लाइन खींचो, टेढ़ी लाइन खींचो, है ना। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, फाइन। और आप एकदम से ये मत सोचो कि आपके बच्चे को एकदम से आ जाएगा, एकदम से कुछ नहीं आता है, धीरे 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 थोड़ा टाइम लगेगा। और उसकी राइटिंग एकदम से क्लियर होनी चाहिए। अगर वो टेढ़े मेढ़े अक्षर लिख रहा है तो बेटा नहीं, रब करो देन राइट। जितनी बार आप रब करोगे उसको पता चलेगा कि मैं गलत लिख रहा हूँ, इसलिए मम्मा रब करा रही है और दोबारा से लिखा रही है ना। तो आपको ये नहीं करना है कि बेटा जल्दी जल्दी लिख लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम देन राइट, ओके। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इससे आगे का पार्ट मैं अगली वीडियो में शूट करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो। एंड प्लीज कमेंट जरूर करिए कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि लगी नहीं रही है कुछ भी, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।